प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज 100 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सत्ता से जुड़े जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जाकर उनका धन्यवाद ही नहीं अदा कर रहे, बल्कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। दो दिन तक अपने लोकसभा क्षेत्र में रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि हम तीन दिन केंद्रीय मंत्री मिलकर प्रदेश में तेजी से विकास ही नहीं करवाएंगे, बल्कि तीसरी बार यहाँ सरकार भी बनाएंगे। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का क्रेज और खुशी गमी का दौर गुजर गया, अब फिर जिम्मेदारी, चुनौती और जवाबदेही का वक्त है। प्रदेश से केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बने 5 में से 3 सांसदों को ये जिम्मेदारी याद दिलाई गई है कि अब प्रदेश में बीजेपी सरकार की हैट्रिक बनाने और विकास कार्यों में प्रदेश को आगे ले जाने की गंभीरता से कोशिश होनी चाहिए। शनिवार और रविवार को अपने लोकसभा क्षेत्र करनाल में रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ये मंशा जाहिर की है। मोदी जी ने जो बड़े डिपार्टमेंट दिए हैं, ये हमारे दूसरे मंत्रियों को जो दिए हैं, उनके माध्यम से केंद्र सरकार का कोई भी काम है उसके कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम तीनों मिल करके हरियाणा के हर काम को जो केंद्र सरकार को कराएंगे, जहाँ तक प्रदेश सरकार का विषय है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत ही ऊर्जावान, बहुत सूझबूझ वाले, संघर्ष वाले, आगे बढ़ने वाले कार्यकर्ता है। गौरतलब है कि बीजेपी को अब फिर प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल से ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए इस बार 10 में से 5 सांसद ही जीतने के बावजूद मोदी कैबिनेट में 3 को मंत्री पद दिए गए। देखिए, हर कार्यकर्ता का बहुत बड़ा रोल है कैडर बेस पर, और इसमें मनोहर जी भी उसी कैडर के निकले हुए व्यक्ति हैं। मनोहर जी ने 9.5 साल इस हरियाणा को चलाया, इस हरियाणा को खड़ा किया है। स्वाभाविक बात है कि मनोहर जी के साथ मिलकर हम सभी के सभी तीसरी बार फिर से हरियाणा में बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार, ताकि सनद रहे कि विधानसभा चुनाव में महज 100 दिन ही बचे हैं, यानी दिल्ली की हैट्रिक के बाद अब चंडीगढ़ की हैट्रिक का दबाव। टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।